हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। और मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी देर से कर रही हूँ। दीदी और भी निकल गए हैं घर के लिए और हम जा रहे हैं हम नीचे गदरिया देवता पे। और आप सब बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ, दिखाती हूँ। अभी हमने बहुत नीचे जाना है और धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो बने रहिए आप सब ब्लॉग में मेरे साथ। देखिए चलो, अरे वहाँ कहाँ आ रही है पागल लड़की? वो बंदर गीब है। पापा को आवाज। बाय बाय। ना सामान लियो ना। बाय। ये देखो यहाँ पे ऐसा वाला रास्ता है। और हमें जाना है एकदम नीचे लास्ट में, दिखाती हूँ जहाँ आपको पुल दिख रहा होगा वहाँ पे मंदिर दिख रहा है, इसलिए वहाँ पे जाना है। और हम जो है ऊपर से आए, हमारा गांव तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर में। ये गदरिया देवता की मूर्ति, आप सब लोगों पे भी गदरिया देवता का आशीर्वाद बना रहे। एक ही से जला लो। हाँ बाकी रख दो, हमने तो चढ़ानी है ना खाली। ऐसे बोल देंगे ना रखते टाइम, गीता का, दीदी का, हमारा। तुम मुझे कब फोन कर रहे थे? हाँ छोटे छोटे बच्चे पानी में आराम से खेल रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है। हाँ तो दोस्तों हम पूजा करके आ गए हैं ऊपर। हाँ चढ़ाई पे हालत खराब हो रही, बहुत सांस फूल रही है। आ गए, इसको तो धूप हो रही है, मुझे भी धूप हो रही है। नीचे से आ गए हम, जा रहे हैं अपने मंदिर में। अंधेरा भी काफी हो गया है, नहीं अंधेरा नहीं हुआ है, हल्का हल्का हुआ है, लेकिन टाइम काफी हो गया। कितना हो गया टाइम? 7 बज गया है। बताओ 7 बज गया है। तो चलिए आपको भी यहाँ से माता रानी के दर्शन करवाते हैं। और ये रहा मंदिर। सामने हमारा गांव, अंदर तो बहुत अंधेरा हो रखा है। ये रही हमारी माता रानी। ये मूर्ति किस चीज की है? अच्छा। फिर इतनी बड़ी मूर्ति सोने की बनेगी कैसे? बहुत महंगी बनेगी, 15-20 लाख की तो आराम से बनेगी ना। खराब नहीं हुए, जो सफेद और खराब नहीं हुए, टूटे भी जाने।